पता चल रहा होगा कि मैं स्कूल में हूँ और आज है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। और जन्माष्टमी तो मंडे को है पर आज सैटरडे हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चों का डांस है, प्ले का भी डांस है, नर्सरी LKG UKG सबका। सीनियरिंग नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इसीलिए। और अभी हमारा सिर्फ जूनियर विंग इस चीज़ में ऐड होगा, तो सब टीचर्स बाहर हैं। तो मैं वीडियो बनाने के लिए अंदर आई थी क्योंकि थोड़ा सा शोर होता है तो फिर बनता नहीं है। बाकी मैं आपको बाहर ही लेके चल रही हूँ और चलते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या क्या डेकोरेशन हुई है। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है, सिंपल एंड सोबर। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डेकोरेशन हो रही है। थोड़ा सा काम अभी और हो रहा है। और ये रही शालू मैम। शालू मैम चलो। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे सोनिका मैम एंड संगीता मैम हैं। सोनिका मैम तो हाँ खाना खा के जाना। अरे वो लोग काम कर रहे हैं इसलिए वो ऐसे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ये ना क्या बोलते हैं इसको, ये सजा रहे हो आप, ये बॉर्डर। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सजा रखा है, सुंदर। और यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसे सजाने के लिए कल मीना मैम, संगीता मैम जो हमारी कोऑर्डिनेटर है दोनों, और शालू मैम, और कौन था आप लोगों के साथ, संगीता मैम सोनिका मैम और बहुत सारे लोगों ने मिलके मतलब यहाँ ये करा है, डेकोरेट किया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तीन के मेरे हैं ना, तीन मैम एंड शी इज अ डांस टीचर। और ये तो आठ नंबर ना हो। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। अच्छे चार मास में सेलिब्रेट करना। सीमा मैम, जन्माष्टमी विश कर दीजिए सबको। थैंक यू। हाँ जी, तो आज हमारे साथ सीमा शंकर मैम भी है। और मैम ऑफिस का काम संभालती है, कंप्यूटर संभालती है, हमारे सिलेबस बनाती है, एग्ज़ाम पेपर बनाती है, बहुत सारा काम करती है। तो मैम एक बार मुझसे ब्लॉगिंग मिस हो गई थी, इनकी वीडियो डिलीट हो गई थी मुझसे, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, तो मैं आज खींच के लेके आई। मैंने कहा आज आ जाओ आप। क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर लग रहे हैं सारे बच्चे। बाकी ये साइड में पूजा होगी तो यहाँ पर यहाँ डेकोरेशन चल रही है अभी। और बहुत ही सिंपल सोबर सा रखा है इसको। और ये बनाया है हमारी शिल्पी मैम ने, ये मैम को गिफ्ट किया था उन्होंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पूरा उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया है इसे। तो बच्चे आना भी स्टार्ट हो गए। यहाँ हमारे कान्हा जी आ गए हैं और आप भी हो। आप भी क्या बने हो, कान्हा सुदामा बने हो? अच्छा, कृष्ण एंड सुदामा, गुड। यहाँ पे छोटी सी राधा भी है।
मान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ। कैसा लगा आपको जो हमारा स्कूल का जन्माष्टमी का प्रोग्राम, जो भी छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ और बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और सारे किंडरगार्टन के बच्चे थे और बहुत मेहनत से सीखा बच्चों ने और इतना अच्छा परफॉर्म किया। पूरा प्रोग्राम मैं खुद खड़े होकर नहीं देख पाई क्योंकि मेरी क्लास में बच्चे थे और एज़ यू नो कि प्ले क्लास के बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एक जगह बिठाना बहुत मुश्किल है और वहाँ वो इतना ड्रेसअप होके आए थे तो परेशान हो रहे थे तो मैं उन्हें क्लास में ले गई थी। लेकिन वीडियोस के लिए मैंने मैम को बोल दिया था कि मुझे वीडियोस चाहिए तो प्रियंका मैम ने मुझे वीडियोस सेंड कर दिए थे। एक्चुअली में जो आज ये जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये जो वीडियो बना रही हूँ, आज हो गया है वेंसडे और वो सेलिब्रेशन हुआ था सैटरडे 24th को और इस बीच में वीडियो इतनी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब पिछले दिनों में तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बेड से मतलब उठ तो रही थी लेकिन मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था, बहुत वीकनेस आ गई थी। मुझे नहीं पता क्यों अचानक से ऐसे हुआ, बीपी डाउन भी हो रहा था और कंडीशन ज़्यादा मेरी ऐसी हो गई थी कि मैं मतलब घर में भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं अपना जो भी खाना वगैरह बना रही थी और फिर मैं डॉक्टर से दवाई वगैरह लेके आई तो इस वजह से, मेरी तबीयत की वजह से वीडियो आज आ रही है। तो आज आप देखेंगे जो भी स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ और एक पेरेंट्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी का डांस आप मुझे पूरा दिखाइएगा क्योंकि स्कूल में वीडियो थोड़ा एडिट होके आती है, इतनी लंबी लंबी हम नहीं वीडियो बना सकते, मैं भी नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे और ओरिजिनल साउंड भी नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि म्यूज़िक जो चल रहा है उस पर कॉपीराइट आ जाएगा और इससे मेरे चैनल को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मुझे स्ट्राइक भी आ सकती है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं भी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि आप 8-10 मिनट की वीडियो तो आप देख सकते हैं जो ब्लॉग है, लेकिन उससे ज़्यादा की आप लोग नहीं दे सकते। हाँ, आगे मैं जब फेमस हो जाऊँगी जब आप ज़रूर देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोज़ को, लेकिन अभी आप, मुझे मालूम है कि आप लोग नहीं देखते, वैसे ही स्किप करके देखते हैं।
तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी। और म्यूज़िक मैंने वो नहीं रखा है, म्यूज़िक मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा, मेरी प्रॉब्लम को भी समझिएगा। और बाकी थैंक यू, आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोज़ का आप लोग देखते हैं। और बच्चों की ये जो मेहनत बच्चों ने की, अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा बच्चों को कमेंट के ज़रिए, ताकि जब मैं जब पेरेंट्स को बताऊं और वो मेरे चैनल को अचानक से, अगर वो कभी मेरे चैनल को देखते भी हैं, तो वो उस कमेंट को भी पढ़ पाएँ जो आप लोगों की तरफ से होगा। तो प्लीज़ मोटिवेट करें इतने छोटे छोटे बच्चों को, बहुत मेहनत करी थी। और प्ले के बच्चों को तो सिखाना बहुत मुश्किल है, आपने देखा ना दो बच्चे कैसे कर रहे थे, वो लड़की हैंड पकड़ रही थी, वो सॉरी विराज हैंड पकड़ रहा था, पर आद्या हैंड ही नहीं पकड़ रही थी उसका। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को किसी तरह की ट्रेनिंग देना। और सर और जो हमारे डांसर हैं और मैंने मिलके मतलब बहुत मेहनत तो बहुत करी ताकि बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतना कर लिया वो ही बहुत है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही है, मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।